अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार एकादशी तिथि का प्रारंभ 13 अक्टूबर 2024 रविवार की सुबह 9:09 से हो जाएगा, जो कि 14 अक्टूबर 2024 सोमवार की सुबह 6:41 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। सूर्योदय व्यापिनी शुद्ध हरिवासर द्वादशी युक्त जो एकादशी रहेगी वो 14 अक्टूबर 2024 सोमवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों, वैष्णव जनों को एकादशी का व्रत करना चाहिए और इस एकादशी व्रत का पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलने का दिन या व्रत खोलने का समय, जो कि 15 अक्टूबर 2024 मंगलवार यानी प्रदोष के दिन सुबह 6:16 से लेकर के 8:16 तक व्रत का पारणा करना चाहिए या व्रत को खोल लेना चाहिए। अगले दिन कोई और व्रत हो, जैसे प्रदोष का व्रत है या मंगलवार का व्रत है, तो ऐसे में व्रत का पारणा फल या फलाहारी वस्तु से ही आपको करना चाहिए। इस बार कुछ पंचांगों में एकादशी का व्रत 13 अक्टूबर 2024 रविवार के दिन बताया है, वहीं कुछ पंचांगों में 14 अक्टूबर 2024 सोमवार को बताया है। यह मत भिन्नता के कारण जो एकादशी का व्रत रखते हैं उनमें बड़ा भ्रम या संशय उत्पन्न हो चुका है कि व्रत आखिर किस दिन किया जाए, 13 अक्टूबर को रखा जाए या 14 अक्टूबर को रखा जाए। तो एकादशी व्रत के विषय में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताए हैं। विष्णु पंचक के नियम के अंतर्गत जो नियम बताए गए हैं एकादशी व्रत के संदर्भ में, उनका पालन सभी वैष्णव जनों को, भक्त जनों को अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इसमें बताया है कि एकादशी का व्रत दो प्रकार का होता है, यानी एकादशी दो प्रकार की होती है। पहला प्रकार होता है संपूर्णा और दूसरा प्रकार होता है विद्धा। जिस तिथि में केवल एकादशी ही तिथि होती है, अन्य किसी तिथि का उसमें मिश्रण नहीं होता है, उसे संपूर्णा एकादशी कहते हैं। और उसके बाद विद्धा एकादशी पुनः दो प्रकार की होती है, एक होती है पूर्व विद्धा, दूसरी होती है पराविद्धा। दसवीं मिश्रित एकादशी को पूर्व विद्धा कहा जाता है। और यदि अरुणोदय काल में यानी सूरज निकलने से 1:36 दशमी तिथि का अंश मात्र भी रह गया है, तो ऐसी एकादशी पूर्विद्धा दोष से दोष युक्त होने के कारण वर्जित मानी गई है। यानी एकादशी में दशमी का भेद नहीं होना चाहिए। यह एकादशी देत्यों का बल बढ़ाने वाली और पुण्यों का नाश करने वाली एकादशी मानी गई है। पद्म पुराण में वर्णन आया है कि वासरम दशमी विधम दैत्यानाम पुष्टि वर्धनम मदीयम नास्ति संदेह सत्यम सत्यम पितामह। दसवीं मिश्रित एकादशी का व्रत करने से राक्षसों का बल बढ़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पराविद्धा द्वादशी मिश्रित एकादशी को पराविद्धा एकादशी कहा जाता है। द्वादशी मिश्रिता ग्राह्य सर्वत्र एकादशी तिथि ही, द्वादशी मिश्रित एकादशी सर्वदा ही ग्रहण करने योग्य है, इसलिए भक्तों को, वैष्णव जनों को पराविद्धा एकादशी का ही व्रत रखना चाहिए। ऐसी एकादशी का व्रत रखने से, नियम पालन करने से भक्ति में, पुण्य में वृद्धि होती है और दशमी मिश्रित एकादशी का व्रत रखने से भक्ति आपकी कम होती है, पुण्यों का क्षय होता है, पुण्यों का नाश होता है। एकादशी व्रत के विषय में पद्म पुराण में एक प्रसंग आता है कि जब भगवान वराह और हिरण्याक्ष का युद्ध हो रहा था, तब भगवान नारायण के बार बार प्रयास करने पर भी हिरण्याक्ष का वो वध नहीं कर पा रहे थे, यानी हिरण्याक्ष को नहीं मार पा रहे थे। तब भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से प्रश्न किया कि हे प्रभो, यह असुर तो आपकी दृष्टि मात्र से मृत्यु को प्राप्त हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी आप इसे क्यों नहीं मार पा रहे हैं? तब भगवान नारायण बोले कि ब्रह्मा जी, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य की माया से मोहित होने से कुछ ब्राह्मण देवता दशमी युक्त एकादशी का व्रत कर रहे हैं,
क्योंकि दशमी के दिन दैत्यों की उत्पत्ति हुई थी और एकादशी के दिन देवताओं की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए दशमी को एकादशी के साथ मिलाकर के कभी भी उस एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए। दशमी का व्रत करने से दैत्यों का यानी राक्षसों का बल बढ़ता है और एकादशी के दिन द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करने से देवताओं का बल बढ़ता है। ब्राह्मणों के दशमी विद्या एकादशी का व्रत करने से इस राक्षस का इस दैत्य का बल बढ़ रहा है और यह मृत्यु को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। जो मनुष्य दशमी युक्ता एकादशी का व्रत करते हैं उनके अंदर आसुरी शक्ति की वृद्धि होती है। कलयुग की माया से मोहित होकर सभी लोग दशमी विद्या एकादशी का व्रत करेंगे, इसलिए देश में दुनिया में अशांति बनी रहेगी। जब सीता जी को लक्ष्मण जी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में छोड़ करके आए थे तब माता सीता ने वाल्मीकि ऋषि से पूछा था कि हे ऋषिवर, मैंने अपने जीवन काल में कभी भी कोई गलत कर्म पाप कर्म बिल्कुल नहीं किया है, सदैव पतिव्रता रही, पति की सेवा की, फिर भी मेरे जीवन में इतने सारे कष्ट और संकट क्यों आए? तब महर्षि वाल्मीकि ने सीता जी को उत्तर दिया था कि आपने अपने कभी पूर्व जन्म में दशमी विद्या एकादशी का व्रत किया था और उसी दिन एकादशी के सभी नियमों का पालन किया था, इससे आपके पुण्य नहीं बल्कि आपके पापों में वृद्धि हुई है। उसी का यह परिणाम है कि आपको अपने जीवन काल में इतने सारे कष्ट झेलने पड़े। पुराणों में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि दशमी विद्या एकादशी का व्रत करने से धन और पुत्र का विनाश होता है। एकादशी जो दशमी युक्त होती है वह अशुद्ध मानी गई है, आसुरी शक्ति को बढ़ाने वाली है, इसलिए इस दिन एकादशी का व्रत कदापि शास्त्र सम्मत नहीं है। पुराणों में स्पष्ट मत मिलता है कि अगर दशमी विद्या एकादशी हो और दूसरे दिन सूर्योदय से पहले ही एकादशी तिथि समाप्त हो जाए तो भी आपको एकादशी का जो व्रत है वो द्वादशी के दिन ही करके त्रयोदशी के दिन ही व्रत का पारणा करना चाहिए। लेकिन कभी भी आपको गलती से भी दशमी विद्या एकादशी का व्रत बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस बार जो 13 अक्टूबर 2024 रविवार के दिन जो एकादशी है वो दशमी विद्या एकादशी है यानी दशमी से युक्त एकादशी है और 14 अक्टूबर 2024 सोमवार के दिन जो एकादशी आ रही है वह द्वादशी युक्त शुद्ध एकादशी है। इसलिए सभी भक्तजनों वैष्णव जनों को 14 अक्टूबर 2024 सोमवार के दिन ही एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रोधे नवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। भगवान श्रीहरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना, गौ माता की रक्षा और सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस साल 2 एकादशी अधिक होती है यानी कुल मिलाकर के उस वर्ष 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्रीहरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है और जितने भी प्रकार के व्रत होते हैं उनमें एकादशी का व्रत सबसे बड़ा व्रत माना गया है। एकादशी व्रत के समान कोई भी व्रत नहीं है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के करोड़ों अरबों जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको अपने जीवन काल में कम से कम एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य करवाना चाहिए, या तो स्वयं करे या ब्राह्मण देवता के माध्यम से या अपने गुरु के द्वारा एकादशी व्रत का उद्यापन करवाएं। उसके बाद आप स्वेच्छा से एकादशी करते रहें
कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम अपने जीवन काल में एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। जो भक्तजन माताएं बहने एकादशी का व्रत करते हैं, उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इस बार दशमी तिथि के सभी नियमों का पालन 13 अक्टूबर रविवार के दिन करना है और 14 अक्टूबर सोमवार को एकादशी का व्रत करना है। वही 15 अक्टूबर के दिन द्वादशी यानी व्रत का पारणा आपको करना है। दशमी के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। दशमी के दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग भोजन के रूप में नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर के स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प आपको धारण करना चाहिए। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 में लिखा हुआ है, एकादश्याम निराहार स्थित्वाहं परेहनि भोक्षामि पुंडरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत। यदि आप संकल्प नहीं कर पाते हैं तो इस श्लोक का उच्चारण करने से या इस श्लोक को सुनने मात्र से भी आपका संकल्प हो जाएगा। संकल्प का अर्थ होता है प्रतिज्ञा करना या शपथ ग्रहण करना। इस श्लोक का अर्थ होता है, हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे जनार्दन, हे अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। इस प्रकार आपको संकल्प धारण करना चाहिए। संकल्प प्रत्येक मनुष्य को लेना चाहिए, चाहे मानसिक संकल्प ले या वाचिक संकल्प ले। संकल्प से कार्य की सिद्धि होती है। यदि आप निष्काम भाव से व्रत करते हैं, निष्काम व्रत का अर्थ होता है बिना किसी कामना के किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है। और दूसरा होता है सकाम व्रत। कोई कामना या इच्छा लेकर के जब हम व्रत करते हैं तो उसे सकाम व्रत कहा जाता है। दोनों ही परिस्थिति में आपको संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए। यदि आप अपने घर से बाहर हैं, रास्ते में हैं, यात्रा में हैं, तीर्थ में हैं या कहीं और गए हुए हैं तो आप मानसिक रूप से मन ही मन चिंतन कर ले कि आज मैं एकादशी का व्रत करूंगा और अगले दिन ही भोजन करूंगा। हे प्रभु, मुझे पूरी शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करें। लेकिन यदि आपके घर में संकल्प करने की व्यवस्था है तो आप अपने देव घर में, पूजा घर में, मंदिर में शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर ले और आसन बिछा करके अपना मुंह पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर रख करके अपने सामने जल का पात्र रखे। पूजा की थाली में पीले पुष्प, तुलसी जी का पत्ता और अक्षत के स्थान पर जव या तिल रख करके सीधे हाथ की मुद्रा को इस प्रकार रखे और हाथ के मध्य भाग में जल रखे, सुपारी रखे, तुलसी जी का पत्ता रखे और अक्षत के स्थान पर जव तिल रखे, कुछ दक्षिणा रखे और 3 बार आपको बोलना है, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम तिथिर विष्णु स्थावारो नक्षत्रम विष्णु रेवच योगश्च कर्णम विष्णु सर्वम विष्णु मयम जगत, ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुर आज्ञयाः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत्मन मंत्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कली प्रथम चरणे भूलोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बुद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तेक देशे अवंतिकायां विशालाक्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गते भोपाल नामनी नगरे ही संबत 2081 मासानां मासे पुण्य पवित्र मासे आश्विन मासे शुभैः शुक्ल पक्षैः शरद ऋतौः एकादश्यायां पुण्यतिथयोः तदुपरांत द्वादश्यायां पुण्यतिथयोः चंद्रमास्रान्वितायां मा शतभिषा दिवस नक्षत्रैः कुंभ राशिस्ते श्रीचंद्रैः वृषभ राशिस्ते श्रीदेवराज गुरुः कन्या राशिस्ते श्री सूर्यैः शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थित सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौः। अब आप बोलिएगा, मम आत्मनः
अपने नाम और गोत्र का यहां पर उच्चारण आपको करना चाहिए। यदि आपको गोत्र याद नहीं है तो ब्रह्म गोत्र या कश्यप गोत्र का भी आप उच्चारण कर सकते हैं। यदि किसी कन्या का विवाह संपन्न हो चुका है तो वो अपने पति पक्ष का गोत्र उच्चारित करे, और यदि विवाह नहीं हुआ है तो पिता पक्ष यानी पिता का गोत्र उच्चारित करना चाहिए। अब आप ध्यानपूर्वक श्रवण करिएगा। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कार्य सिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम मम इह जन्मनि जन्मांतरेवा सकल दुरितोपशमनार्थम आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम अष्टविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्वविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम दसविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्यांश्च चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन इच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताः प्रसन्नार्थम कुल देवताः प्रसन्नार्थम पितृ देवताः प्रसन्नार्थम अद्य दिवसे पापांकुशा एकादश्याम व्रत कर्माहं करिष्ये इस प्रकार संकल्प प्रभु को समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करें। हे दीन बंधु हे दीनानाथ हे करुणा निधान हे दया के सागर आज मैं आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। मुझे पूरी शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान करे कि सभी नियमों का पालन करते हुए पूरे विधि विधान से श्रद्धा और भक्ति के साथ में एकादशी का व्रत धारण कर सकूं। लेकिन मेरे द्वारा जाने में अनजाने में कोई भी गलती हो जाए त्रुटि हो जाए तो आप अबोध बालक जान करके छोटा बच्चा मुझे जान करके क्षमा अवश्य ही प्रदान कर देना। इस प्रकार आपका एकादशी का व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी के दिन सुबह के समय सूर्य भगवान को अर्घ प्रदान करें, माता पिता को गुरुजनों को पूज्य पुरुषों को प्रणाम करें, तुलसी जी में जल चढ़ाएं, तुलसी जी के यहां शुद्ध घी का दीपक जलाएं, तुलसी जी का पूजन अर्चन करें, गो माता का पूजन अर्चन करें, गो माता को फलाहारी वस्तु खिलाएं। लेकिन किसी भी मनुष्य को इस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। वैसे तो सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध और फल बताए गए हैं, लेकिन इसके अलावा भी सूखा मेवा ड्राई फ्रूट्स जितने भी होते हैं वो सभी प्रकार के फलाहार की श्रेणी में ही आते हैं। मूंगफली दाना साबूदाना इसके अलावा मखाना इसको आप नमकीन या मीठा बना करके फलाहार के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तिल और गुड़ की जो मिठाई बनती है उसको भी आप फलाहार के रूप में उपयोग कर सकते हैं। अन्य जो भी फलाहारी वस्तु है उनको आप अच्छी प्रकार से तैयार करें, लेकिन ध्यान रखें उसमें हल्दी और सादे नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए। केवल फलाहारी नमक का उपयोग करें, काली मिर्च का उपयोग करेंगे तो अति उत्तम रहेगा। और फलाहार तैयार करके सर्वप्रथम भगवान को भोग लगावे, नैवेद्यम अर्पण करें, उसके बाद स्वयं फलाहार ग्रहण करें। यदि आप दवाई लेते हैं, कोई बीमारी है और आपको कुछ खा पीकर ही दवाई लेना होता है तो आप फलाहार करके दवाई ले सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। फलाहार आप एक समय दो समय तीन समय ले सकते हैं, कोई दोष नहीं लगता है। जल आप पी सकते हैं, कोई दोष नहीं लगता है। दवाई आप खा सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। चाय कॉफी दूध इत्यादि वस्तुएं आप ले सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन ध्यान रखें आपको किसी भी परिस्थिति में उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। अन्न का मतलब होता है दाल चावल रोटी पोहा बिस्किट और जो भी अन्न की वस्तुएं होती है उन सब का परित्याग आपको करना चाहिए। आपको अपने घर में एकादशी के दिन चावल नहीं बनाना चाहिए, चावल का उपयोग किसी भी वस्तु में इस दिन नहीं करना चाहिए। और ध्यान रखें कि अपने घर में इस दिन मांस मदिरा लहसुन प्याज मसूर की दाल कटहल की सब्जी और कोई भी अभक्ष भक्षण का उपयोग बिल्कुल ना हो, शुद्ध और पवित्र भोजन ही उस दिन तैयार हो। एकादशी के दिन झूठ न बोले, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या शेविंग न करवाएं, नाखून न काटें,
शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना या कटवाना वर्जित माना गया है। किसी भी प्राणी का, जीव का अपमान या अनादर बिल्कुल न करें। और यदि संभव हो तो दिन में सोना नहीं चाहिए। यदि सो जाते हैं तो आप स्नान करके ही शाम के समय पूजा अर्चना करें और रात को जितना हो सके जागरण करके भगवान का भजन कीर्तन करें। और ध्यान रखें कि जो एकादशी व्रत कथा होती है वह ब्राह्मण के मुख से ही आपको सुनना चाहिए। ब्रह्म वाक्य जनार्दन। जब आप ब्राह्मण के मुख से कथा का श्रवण करते हैं तो आपको जनार्दन यानी भगवान श्री हरि विष्णु जी के श्री मुखारविंद से कथा सुनने का पुण्य प्राप्त होता है। और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा दान देवे, फलाहार करवाएं, वस्त्र दान करें और पारणा करते समय यानी अगले दिन व्रत खोलने के समय उनको आटा दाल चावल सीधा सामग्री का दान करें। सीधा सामग्री नहीं दे पाते हैं तो आप उनको नगद धन राशि देकर भी दान पुण्य का संपूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। एकादशी तिथि समाप्त हो जाए तो भी आपको व्रत का पारणा अगले दिन ही करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में आपको एकादशी व्रत को उस दिन नहीं खोलना चाहिए। इस बार पापांकुशा एकादशी का व्रत 14 अक्टूबर 2024 सोमवार को रखना है और इस व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का जो दिन है या समय है वो 15 अक्टूबर 2024 मंगलवार को सुबह 6:16 से लेकर के 8:16 तक व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।